कल बिजनौर में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा, जनता से करेंगे बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन की अपील। पीएम की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हमीरपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चुनावी जनसभा, सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा हमने पूरे किए हैं वादे। पीलीभीत के सदर विधायक और बीजेपी प्रत्याशी संजय गंगवार का विरोध, संजय भगाओ मझोला बचाओ का नारा लगाया गया। उन्नाव में गोली लगने से जवान की मौत, शादी समारोह में फायरिंग के दौरान लगी थी गोली, आरोपी की तलाश में दबिश दे रही पुलिस। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का खास बुलेटिन, अपना उत्तर प्रदेश। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए बिजनौर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के चुनावी कार्यक्रम को लेकर लगातार SPG और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर रिहर्सल किया जा रहा है। पीएम की सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसके लिए चॉपर को उड़ाकर पीएम के आने वाले चॉपर को लेकर वर्धमान कॉलेज में रिहर्सल चल रही है। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पीएम 1000 लोगों को चुनावी सभा स्थल से संबोधित करेंगे। इस रैली में पीएम मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों सहित बिजनौर जिले के 8 विधानसभाओं में बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए चुनावी रैली में पहुंच रहे हैं। जनता भी पीएम के दौरे को लेकर खासी उत्साहित नजर आ रही है। पीएम के दौरे को लेकर लगातार SPG जहां वर्धमान कॉलेज में नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी SPG सहित अन्य एजेंसियां बिजनौर जिले में डेरा डाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी जन चौपाल में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा की। पीएम मोदी ने बिजनौर, मथुरा, आगरा और बुलंदशहर के 21 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से संवाद किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताजनगरी आगरा से जुड़े। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश तो भारत का दिल है, उत्तर प्रदेश तो देश के लोगों को रास्ता दिखा रहा है, इसी कारण उत्तर प्रदेश का सबसे तेज विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। यूपी ने देश को हमेशा दिशा दिखाई है, इस बार यहां के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर दिया है कि इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है और वो है उत्तर प्रदेश का विकास। और पिछले 5 वर्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिखा दिया है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का विकास कर सकता है तो वो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। यूपी देश को नया रास्ता दिखा रहा है। यूपी के लोगों ने दो टूक कह दिया है कि धन दौलत, बाहुबल, जातिवाद, संप्रदायवाद के दम पर, परिवारवाद के दम पर भले कुछ लोग कितनी ही राजनीति कर लें, लेकिन वो जनता का प्यार नहीं पा सकते। जनता का आशीर्वाद तो उसे ही मिलेगा जो सच्चे अर्थ में सेवा भावना से सेवक बनकर यूपी के लोगों की सेवा करेगा। यूपी के लोगों का विकास करेगा। इसलिए यूपी की जनता ने तय कर दिया है कि इस बार भी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, यूपी का विकास, यूपी का सबसे तेज विकास। और भाई और बहनों, पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार ने दिखा दिया है कि अगर यूपी का विकास कोई कर सकता है तो वो भाजपा है, भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार है। इसलिए पिछले कई महीनों से यूपी के लोग ये ठान कर बैठे हैं कि कमल का बटन फिर दबाना है, भाजपा को ही जिताना है।
वहीं हमीरपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी मनोज प्रजापति के समर्थन में मतदान करने की अपील की। साथ ही सुमेरपुर के तपोभूमि में रोटी राम महाराज के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद भी लिया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने जो वादे किए थे वो सभी पूरे किए। किसानों के प्रति कैसी संवेदनशीलता है, किसानों के लाभ के लिए 3 कानून भारत की संसद में पारित किए। अगर हमारे कुछ किसान भाई थे उन्हें यह मंजूर नहीं था, वो आंदोलन करते रहे। शायद दूसरा अहंकारी यदि कोई प्रधानमंत्री होता तो कहता हमने तो कानून संसद में पारित कर दिया है, चाहे जो कुछ भी हो हम कानून वापस नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने किसान भाइयों को समझाने में जब कामयाब नहीं हो पाए तो हमारे प्रधानमंत्री ये फिर रात को उठे और सुबह उठते ही उन्होंने टेलीविजन पर घोषणा कर दी। मुझे दुख है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर मैं अपने किसान भाइयों को समझा नहीं पाया, इसलिए मैं 3 कानून संसद के द्वारा इसे मैं रिवील करा दूंगा, इसे मैं वापस करा दूंगा। शायद दूसरा प्रधानमंत्री होता तो ये कभी न करता। जो संवेदनशील प्रधानमंत्री होगा, जो अहंकार शून्य होगा, वही प्रधानमंत्री आगे काम कर सकता है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ग्रेटर नोएडा में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस 3 अंकों से पहले ही निपट जाएंगे और बीजेपी विकास के नाम पर अपना पहला रिकॉर्ड तोड़ेगी और उससे भी ज्यादा सीट इस बार जीतेगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जेवर की प्रज्ञान स्कूल में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे और बीजेपी प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह के लिए उन्होंने वोट भी मांगे। दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी हमेशा सबका साथ सबका विकास पर कार्य करती है, लेकिन कुछ पार्टियां जातियों के नाम पर बांटना चाहती हैं। उन्होंने योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और बताया है कि किस तरह से बिना भेदभाव के पूरे उत्तर प्रदेश में विकास किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बयार चल रहा है, गांव-गांव गली-गली खलियान-खलियान, आज जो केंद्र और प्रदेश की सरकारों की जो गरीबों तक जो योजनाएं थी वो पहुंची हैं और परंपरागत जो मतदाता सपा बसपा और कांग्रेस के थे आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि जो पिछला रिकॉर्ड बीजेपी का था वो चुनाव में बीजेपी 10 मार्च को जो परिणाम आएगा, बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड स्वयं बीजेपी तोड़ेगी और सपा बसपा कांग्रेस को मिला लें तो 3 अंकों को ये पार नहीं करेंगे। सहारनपुर के गंगोह विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कीरत सिंह के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। गंगोह के हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा बांटने का काम किया है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब गुंडागर्दी माफियागिरी चरम पर थी, रोज दंगे होते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में सहारनपुर में थानों पर ताले लग जाते थे। बीजेपी की सरकार ने सभी वर्गों का विकास किया है, बिना भेदभाव के कार्य किए हैं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की लाभकारी योजनाओं को पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इस बार हमारी जीत 300 के पार होने जा रही है। बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, नौजवान सबसे मैं अपील करना चाहता हूं, समय कम है, देर बहुत हो गई, मौसम खराब था, अभी शामली की सभा में मुझे जाना है, लेकिन मैं यहां आप सबसे निवेदन करके जा रहा हूं, यहां कीरत जी प्रत्याशी नहीं है, यहां केशव प्रसाद मौर्य आपका प्रत्याशी है, ये ध्यान रखना। आप कीरत जी को जिता करके नहीं, केशव प्रसाद मौर्य को यहां से जिता करके भेज। आज कुशीनगर पहुंचने पर आरपीएन सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन दिन और कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपने हजारों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद रविवार को कुशीनगर जनपद में उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। उनके समर्थक उनका स्वागत करने गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद जगह जगह सुकरौली, हाटा, कसया, पडरौना, रविंद्र नगर सहित सैकड़ों जगहों पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों फूल मालाओं से उनका स्वागत किया।
आगरा पहुंचे अखिलेश यादव की जनसभा में सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन को गुस्सा आ गया। वो बाह विधानसभा में सपा प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के समर्थन में जनसभा करने गए थे कि तभी संबोधन के दौरान रामजी लाल सुमन ने प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा को डांट दिया। इतना ही नहीं, जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा को मंच पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया, जिसे अखिलेश यादव ने बचाया। इस दौरान अखिलेश यादव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। बता दें कि जब रामलाल जी चौहान जनसभा कर रहे थे, उसी दौरान अखिलेश यादव और जितेंद्र वर्मा आपस में बातचीत करने लगे, जिसको लेकर रामजी लाल सुमन को गुस्सा आ गया और उन्होंने डांटने के साथ थप्पड़ मारने के लिए हाथ भी उठा दिया। संभल में शांतिपूर्ण चुनाव प्रशासन के लिए चुनौती साबित हो रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के काफिले के आगे गोवंश छोड़ने की घटनाओं के बाद सभा समर्थकों ने एक गांव में बीजेपी नेताओं के प्रवेश पर रोक का बैनर लगाकर नारेबाजी की है। मामला गुन्नौर के गांव बिचपुरी सैलाब का है, जहां अति उत्साही सपा समर्थकों ने गांव में बीजेपी नेताओं के प्रवेश पर रोक का बैनर लगाकर सपा के पक्ष में नारेबाजी की। यही नहीं, दबंगई का वीडियो भी वायरल कर दिया। हालांकि ग्राम प्रधान जयप्रकाश यादव ने इस तरह के विरोध को गलत बताते हुए किसी के प्रवेश पर रोक से कार किया है। वहीं बीजेपी नेता भी इस मामले को तूल देने से बच रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ग्राम प्रधानों से और वहां के समस्त लोगों से, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, और ये इस प्रकार का कोई पोस्टर उन्होंने, हालांकि बहुत लोगों ने देखा नहीं है, उनकी जानकारी में भी नहीं है। कुछ लोगों ने जिन्होंने देखा, पढ़ाया, समझा है, तो उन सब ने कहा कि ये ग्रामवासियों का कोई किसी ग्रामवासी ने नहीं लगाया। ग्राम प्रधान जी से बात हुई, उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई ना, हमारी ऐसी बात है कोई कि मैं हम किसी को रोकें, किसी कोई भी पार्टी के लोग आएँ, कोई भी प्रचार करे, सबको पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में सब कोई अपना काम करने का सबको बराबर का अधिकार है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गांव वालों ने ये पोस्टर नहीं लगाया है, और ये अपनी हार से जो डर उनको सता रहा है, बुरी तरह से हारने जा रही है समाजवादी पार्टी, तो यानी विपक्षी पार्टी, वो हार के डर से इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। ये कमज़ोर और मतलब ये समझते हैं भोली भाली जनता के गांव तो को क्या मायने हो सकते हैं इस पोस्टर लगाने के पीछे। इसका वीडियो करीब 40 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है, और कम से कम लोग हार को देख के घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और इस प्रकार के हथकंडे ताकि भाजपा के लोग इधर ना आए और सोचे और लोगों में ये धारणा बने कि लोग उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये इस गाँव से मेरी पुत्र वधू प्रधान है, और जो ग्रामवासी, समस्त ग्रामवासी लिखे हुए हैं, हमारी जानकारी में नहीं है और ना ही हम लोगों को कुछ पता है। ये सरफिरे लोग हैं, जब उन्होंने लगाया होगा, हमारी नॉलेज में कोई बात नहीं है इस तरह की, और ना हमारे यहाँ किसी बीजेपी नेता आना मना है। हमारे यहाँ सभी लोग आते हैं, जाते हैं। पीलीभीत के सदर विधानसभा के मझोला कस्बे में कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक संजय गंगवार का लोगों ने जमकर विरोध किया है। बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में डंडे और झंडे लेकर किसान और व्यापारी पहुंचे थे। विधायक संजय भगाओ और मझोला बचाओ का नारा बुलंद करने लगे। वादा खिलाफी से खिन्न किसान और व्यापारी सड़कों पर उतरे। इस दौरान किसान और व्यापारियों ने एक सुर में कहा, ना तो शुरू हुई चीनी मिल और ना ही बना मझोला में स्टेडियम, नहीं चाहिए ऐसा झूठा विधायक। वहीं मौके की नजाकत भांप कर आनन फानन में कार्यालय का उद्घाटन करके बीजेपी प्रत्याशी वहां से निकल गए। मेरठ के सिवालखास के लिए पहले चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी ने सिवालखास विधानसभा सीट से नन्हे प्रधान को टिकट दिया है। चुनाव को लेकर नन्हे प्रधान का क्या कहना है, सिवालखास में जनता की क्या राय है, किसे इस बार विधायक बनाना चाहते हैं लोगों से इस दौरान उनकी राय जाननी चाहिए। हमारे सहयोगी मनोवर चौहान ने इस रिपोर्ट को देखी। इस वक्त हमारी टीम सिवालखास विधानसभा में मौजूद है। यहाँ बीएसपी से प्रत्याशी नन्हे प्रधान मेरे साथ मौजूद है। हालांकि नन्हे प्रधान के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने मैदान में उतरकर जो चुनाव है त्रिकोणीय कर दिया, लेकिन इनके अलग दावे हैं, क्योंकि 40,000 यहाँ दलित वोट हैं, इसके अलावा मुस्लिम वोट इनको काफ़ी पड़ने वाला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीत की तरफ ये होते नज़र आ रहे हैं। इसी के चलते इनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है। सबसे पहले सर, जो आपके आंकड़े बता रहे हैं, 40 से आपकी काउंटिंग शुरू होगी, जो आपके लोग बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जीत का भी आंकड़ा आप छूने को तैयार हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे, क्या आपके मुद्दे रहेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को 40,000 रिजर्व यहाँ पर वोट मिल रही हैं, तो ऐसे में जीत की तरफ आप हैं, तो मुद्दे क्या हैं जो लोगों को आप बता रहे हैं? क्या
क्या मुद्दे हैं, आप क्या जनता के लिए करने जा रहे हैं अगर विधायक बनते हैं? जनता के लिए जनता की सेवा करेंगे, जनता का सम्मान करेंगे, जनता का काम करेंगे, शिक्षा के मामले में स्कूल बनवाएंगे और बीमारों के लिए अस्पताल बनवाएंगे, रास्ते चौड़े बनवाएंगे, पहले भी 7 रास्ते चौड़े कर चुके हैं हम अपने गांव में। दानजी, जिस गांव से मैं भी आया हूँ निकल करके, झोड़ है, साफ नहीं हुआ है, रास्ते हैं ख़राब हैं, हल्की सी बारिश पड़ जाती कीचड़ हो जाता है, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ तो ना तो अस्पताल है ना कॉलेज है, तो ये इलाके लोग कह रहे हैं यहाँ के जो जिस गांव से आप आ रहे हैं, तो ये इलाके वंचित क्यों रह गए? क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी के पूर्व में विधायक रह गए हैं, उन्होंने तो बड़े स्कूल बनाए थे, फिर क्या रहा, यहाँ क्यों नहीं बने? उन्होंने स्कूल बनाए, स्कूल हर गांव में थोड़ी बन गया, स्कूल 4 स्कूल बने हैं पूरी विधानसभा में, तो उनसे 4 से क्या सब गाँवों में थोड़ी होगी, गाँव तो 134 हैं, प्रधान जी यहाँ अस्पताल की बात ये लोग कर रहे थे कि हमें मेरठ लेके भागना पड़ता है छोटी सी बीमारी के लिए, अस्पताल की व्यवस्था भी नहीं है, तो आप हम बनवाएंगे अस्पताल, हम अस्पताल भी बनवाएंगे, रास्ते भी बनवाएंगे, कॉलेज भी बनवाएंगे, सब काम करें, जो विकास हम कर सकते हैं जनता का वो सब विकास करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ थे अनन्य प्रधान, इनका साफ कहना है कि जो विकास ही कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से कोई भी इनको अगर आकर बताएगा कि ये काम नहीं हुआ उसको एक करेंगे। हालांकि जो जीत की बात यहाँ की जा रही थी, मेरे साथ एक शख्स और मौजूद है, आप जीत का समीकरण बता रहे थे, जरा हमारी जनता को दर्शकों को ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर क्या समीकरण आप बता रहे थे, कैसे आप गठबंधन से पार जाएंगे? जैसे आपको पता है सभी को, जो दलित वोट बैंक होता है वो बहन जी के साथ आज भी 20-22% जुड़ा हुआ है, 55,000 वोट हैं, 40,000 वोट आपके मिलेंगे, 35,000 नदीम चौहान को भी पूर्व में मिले थे, इसी तरीके से 40,000 से गिनती शुरू होगी, और आज प्रधान जी के साथ क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं, मुस्लिम समाज से हैं, तो मेरे हिसाब से 35,000 वोट उन्हें मिलेंगे, 75 बैठते हैं, और सर्व समाज से 20,000 वोट आज उन्हें मिल रहा है और जातियों से, तो वो कम से कम 90 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, और जीत इंशाल्लाह भारी मतों से होगी। अच्छा मुझे ये बताइए, चलते चलते ये बताइए, आप यहाँ की राजनीति पकड़ रखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता नन्हे प्रधान जो आए हैं मुस्लिम वोट बैंक जो है बटेगा और कहीं ना कहीं दोनों को नुकसान हो सकता है? चूंकि पहले देखा गया 17 में नदीम चौहान और गुलाम मोहम्मद दोनों हार गए, अब इस बार ऐसा क्या होगा जो पार पा जाएंगे? दरअसल अब क्या ऐसा ध्रुवीकरण नहीं होगा, क्योंकि पहला जो चुनाव देख चुके हैं, मुस्लिम समाज भी देख चुका है और दलित समाज भी देख चुका है, दोनों ही एक साथ, अब मुस्लिम समाज ये सोच रहा है कि हमें वोट बांटने नहीं है, प्रधान जी को वोट करना है, उनके साथ 40,000 जो वोट है उनके साथ अगर हम मिल जाएंगे तो जीत हो जाएगी, आपके ध्रुवीकरण नहीं होगा, ध्रुवीकरण नहीं होगा। मैं एक शख्स से और बात करना चाहूँगा, मुझे ये बताइए, मैं अभी गांव से अंदर से आया, यहाँ कुछ लोग गठबंधन से भी मिले, आपको क्या लगता है जो 1,15,000 मुस्लिम वोट है गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी दोनों पर पड़ेगा, तो ऐसे में आपको लगता है कि त्रिकोणीय मैदान में जो चुनाव हो चुका है, त्रिकोणीय मैदान में चुनाव हो चुका है ऐसा लग रहा है लोगों को, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग जो है समझ चुके हैं 2017 के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि 2017 में अगर ये लोग चाहते तो त्रिकोणीय चुनाव ना बना करके नदीम चौहान को सपोर्ट करते, जैसा कि इस समय अब लोग जो है समझ चुके हैं, तो इस समय जो है नन्हे प्रधान को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हवे में आ चुके हैं, जबकि गठबंधन का कोई हवा नहीं है, कभी भी जो है आप देख लेना कि गुलाम मोहम्मद जो ज्यादा से ज्यादा जो है 60-65,000 में सिमट जाएंगे। अच्छा ये सीट की हो गई, सीट की बात हो गई, गठबंधन की बात करें तो सरकार बनाएंगे, तो क्या लगता है आपको गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है या फिर बहुजन समाज पार्टी भी कहीं मैदान में है? बहुजन समाज पार्टी मैदान में है, इस समय बहन जी ने जो है शुरू कर दी है चुनावी यात्रा, जो है आगरा से उन्होंने जैसे शुरू किया है शंखनाद जो है चुनाव का, आगरा के बाद जो है अब कल जो है उन्होंने चुनावी जनसभा जो है वर्चुअल करी थी मेरठ के पश्चिम क्षेत्र की, क्योंकि यहाँ जो है समय ना मिल पाने के कारण जो है रैली नहीं हो पाई थी, और इस समय जो उन्होंने वर्चुअल रैली करके जो है अपने जो कार्यकर्ता हैं उनमें जो जोश भरा है। एक मेरा आखिरी सवाल ये है, जिस तरह से ओवैसी मेरठ में आए और डोर टू डोर यहाँ पर कैंपेन किया, हालांकि उनकी गाड़ी पर हमला भी हुआ, तो क्या लगता है आपको मुस्लिम जो वोटर्स हैं कहीं ना कहीं ओवैसी की तरफ भी जाएंगे? हाँ लगता है, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो जाएंगे, बट क्या है कि वो गठबंधन का ही वोट बैंक जाएगा। अच्छा आपको नुकसान नहीं होगा? नहीं हमें कोई नुकसान नहीं होगा, वो तो गठबंधन का नुकसान है। क्यों, क्यों आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमें ऐसा इस वजह से कह रहे हैं कि जो लोग हमसे जुड़ा है वो दिल से जुड़ा है, और जो अभी गठबंधन में पहले भी गठबंधन हुआ था, पहले भी गठबंधन में लोग जो है इधर से उधर हुए थे, लोगों को जो है गलती हुई थी, उन्होंने सोचा है अब इस समय गलती का भी सुधार करेंगे कि यहाँ पे जो है वो एक ही प्रत्याशी को जिताएं और वो है नन्हे प्रधान। अच्छा तो यहाँ देखा ये जा रहा है, मैं जगह जगह जा रहा हूँ, कहीं गठबंधन के चाहने वाले मिलते हैं, कहीं बहुजन समाज पार्टी के चाहने वाले मिलते हैं, हालांकि जो भाजपा है
उसके भी लोग मिल जाते हैं, क्योंकि भाजपा का विरोध ज़्यादा है। यहाँ सिटिंग MLA का टिकट काटकर मनिंदर पाल का टिकट किया गया तो विरोध बढ़ा, लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो 40,000 दलित वोट बैंक रिजर्व है उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी के लोगों में काफ़ी उत्साह है। उनका मानना है कि गठजोड़ ऐसा बैठ रहा है कि इसमें जीत जाएंगे, क्योंकि पूर्व में देखा गया 2017 में यहाँ पर गुलाम मोहम्मद को समाजवादी पार्टी से टिकट दिया गया, जबकि यहाँ नदीम चौहान को बहुजन समाज पार्टी से मैदान में उतारा गया था, लेकिन दोनों में क्लैश हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र पाल सत्वा यहाँ से जीत गए थे। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि इस बार क्लैश नहीं होगा, बहुजन समाज पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। बहरहाल देखना ही होगा कि जिस तरीके से वोट पड़ेंगे, जो भविष्य है उसके गर्भ में क्या है, कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।